साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रही है। उसी क्रम में अब कांग्रेस की जनाक्रोश यात्रा कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया व युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में सरदारपुर विधानसभा पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा अब सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां ग्राम टिमायची से प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम तेजाजी मंदिर पर वीर तेजाजी महाराज का पूजन अर्चन कर सरदारपुर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं निमाण क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी कांतिलाल भूरिया, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार कर रहे थे। तो वहीं बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए। वहीं इस दौरान विक्रांत भूरिया ने भाजपा पर जोरदार निशाना साधा। देखिए बात साफ है, पिछले 18 सालों में जनता का जबरदस्त शोषण हुआ है। आज मध्य प्रदेश में भूख, भय, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का माहौल है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो खुश है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, टैक्स इतना ज़्यादा ले रहे हैं, चाहे किसान हो जिनकी फसलें खराब होने के बाद एक को भी मुआवजा देने सरकार रामकर्ष नहीं आई। यहाँ तक कि खाद बीज में भी जबरदस्त धांधली हुई, 50% कमीशन चल रहा है मध्य प्रदेश में, और ऐसा कुछ नहीं है जिसमें 50% कमीशन ये नहीं ले रहे हैं। बाबा महाकाल तक में लोक में भी इन्होंने 50% का घोटाला कर दिया, सारी मूर्तियाँ उखड़ गई, और ये अगर बाबा महाकाल को नहीं छोड़ रहे तो युवाओं को कहाँ छोड़ेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी है, और बेरोजगार युवा आज बोल रहा है रोजगार देने के लिए, ये सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं घोषणा कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश आदिवासियों में अत्याचार में नंबर वन है, महिलाओं के शोषण में नंबर वन है, युवाओं की बेरोजगारी में नंबर वन है, अत्याचार में नंबर वन है। तो इतना सब होने के बाद भी अगर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहे तो आप समझ लीजिए ये सरकार पूरी तरह से गलत है। और जिस तरह से कांग्रेस को जनादेश दिया गया था, जनता ने कांग्रेस की सरकार लाई थी और इन्होंने जनता के जनादेश को पलट कर 2000 करोड़ में बीजेपी ने जनादेश को खरीदा है, और इस बार जनता उसको जबरदस्त सबक सिखाई। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 18 वर्ष में जो किसानों को की आय दोगुना करने के नाम पर सरकार बनाई थी, जनता को की महंगाई कम करने की बात कही थी, युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, किसानों की आय दो गुना करने की बात कही गई थी, भारतीय जनता पार्टी के 18 शिवराज सिंह जी चौहान के 18 और भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के जन विरोधी नीतियों के कारण आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानी कमलनाथ जी के निर्देश में ये जन आक्रोश रैली है। ये उमड़ता हुआ किसान युवा जनता बता रही है कि मध्य प्रदेश में सरदारपुर में शिवराज सरकार के प्रति कितना जन आक्रोश है। हम आपको बता दें कि जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी कांतिलाल भूरिया, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार के साथ कांग्रेस अध्यक्ष रतनलाल पड़ियार, बालमुकुंद पाटीदार, मोहनलाल मुकाती, युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष करीम कुरेशी, राजगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेश जायसवाल, उपाध्यक्ष दीपक जैन के साथ क्षेत्र के अनेक कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, सरदारपुर।